सो हे गाइस, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, साथ में इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली यार। मतलब देखिए, जो भी मतलब स्कॉलरशिप वगैरह होती है महाराष्ट्र के अंदर महा डीबीटी के पोर्टल पर जो जाकर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, तो इस वीडियो में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि कब तक जो है फॉर्म स्टार्ट हो सकते या फिर स्टार्ट हो चुके, अगर आप मतलब महाराष्ट्र के मतलब जो भी कैंडिडेट हो तो ही आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। साथ में अगर आपका मतलब कैपराउंड से एडमिशन हुआ है या फिर जो है आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो तो फिर मतलब कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट नहीं है, ये भी मैं इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, साथ में ये भी बताऊंगी कि कौन सी कैटेगरी के लिए मतलब कौन सी स्कीम जो है आपको अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलता है महाडीबीटी के तो कौन से मतलब तरीके जैसे कि करके जो है आप तक जो है स्कॉलरशिप पहुंच जाए। ओके, तो दोस्तों मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो हमारे छोटा सा पैरा सा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले सीधी मतलब मेन पॉइंट पर आ जाती कि कब तक जो है मतलब फॉर्म वगैरह रिलीज हो सकते या फिर हो चुके, तो अगर क्लियरली बता दूं तो अब तक जो है फॉर्म वगैरह रिलीज जो है नहीं हुई है। ओके, तो इसके पीछे का रीजन भी एक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो भी पिछले साल के फॉर्म्स वगैरह थे जो भी मतलब 2022 और 23 के फॉर्म्स थे वो अब तक जो है वो चल ही रहे थे। ओके, मतलब इसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा डिले उनको देखने के लिए मिला है। और मतलब जो है अभी ही कुछ दिनों पहले ही जो भी मतलब एक डेढ़ महीने पहले ही जो है फॉर्म वगैरह जो है फिलिंग के लास्ट डेट जो है उन्होंने थोड़ी बहुत एक्सटेंड कर दी थी, इसके लिए जो है थोड़ा टाइम टेबल उसका और भी मिला था और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। मतलब देखिए यार, लगभग जो आप मान लो कि 9 से 10 महीने मिलते ही आपको मतलब टाइम पीरियड दिया जाता है। ओके, इस बार तो ऐसा मान लो कि 11 महीने तक जो है उन्होंने टाइम पीरियड दिया है, तब भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह फिर भी नहीं करते यार, इसके लिए जो है उनको स्कॉलरशिप वगैरह बाद में नहीं मिलती। और कुछ किसी बच्चों को मिलती तो मतलब उसको जो है मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस ऑफिस में जाओ उस ऑफिस के लिए जाओ, और तब भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं मिलती। ओके, पर अगर आप टाइम पर फॉर्म वगैरह फिल कर दोगे तो जरूर से ही स्कॉलरशिप का फ़ायदा आप उठा पाओगे। अभी बात कर लेते हैं सीधा कि कब तक जो है फॉर्म वगैरह रिलीज हो सकते, तो अगर बात की जाए पिछले साल की तो सितंबर के मतलब 5-6 या फिर एंडिंग तक जो है फॉर्म वगैरह रिलीज हो चुके थे, पर इस बार जो अभी तक जो है फॉर्म वगैरह रिलीज होते हुए हमको नहीं दिख रहे। ओके, इसका मतलब इसके पीछे का कारण भी जो है मैंने आपको बता दिया है, लास्ट ईयर की जो भी डेट थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर दी गई थी। अभी मतलब एस्टिमेटेड मैं आपको बता दूँ कि एक आप पूछोगे कि भैया थोड़ा बहुत एस्टिमेटेड या फिर कुछ अंदाज़ वगैरह ही बता दूँ कि कब तक जो है फॉर्म वगैरह जो है रिलीज़ हो सकते हैं, तो देखिए अगर मेरी मानूँ तो इस महीने के एंडिंग तक जो है हमको देखने के लिए मिल सकते, क्योंकि देखिए अभी मतलब बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स वगैरह भी चले गए थे और ऊपर से जो है बैंक हॉलीडेज़ वगैरह जो है मतलब चलता रहता है यार, और सरकारी काम के लिए जो है मतलब सरकारी ऑफिस वगैरह बंद रहते हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, इसके लिए जो है इन्होंने थोड़ा बहुत डिले यहाँ पर कर दिया है। पर जैसे ही मतलब डेट वगैरह रिलीज़ हो जाएगी मेरे ख्याल से तो भी 15 अक्टूबर के बाद मतलब 15 अक्टूबर के बाद ही जो है एक स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मतलब एक डेढ़ महीना ही आपको देते, ये लगभग जो आपको 5-6 या फिर 7 महीने तक का टाइम पीरियड जो है दे सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी ये फॉर्म वगैरह रिलीज कर दें तभी आप जो है अप्लाई वगैरह कर दो, ताकि जो है स्कॉलरशिप आप तक जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुँच जाए, साथ में जो भी कॉलेज वाले होगी वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, आप ने जो है फॉर्म वगैरह क्यों फिलअप नहीं किया है, हमको जो है अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, अभी अगर नहीं आएगी तो पूरी फीस आपको पे करनी होगी। बाद में जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के जो फॉर्म वगैरह जो होते हैं वो रिटर्न भी हो जाते हैं, रिडायरेक्ट हो जाते हैं, रिवर्ट हो जाते हैं, इसके लिए जो भी करेक्शन होता है वो जल्दी से उनको फिल करके देना होता है। अगर आप नहीं देते हो टाइम पीरियड से पहले जो है तो फिर आपको ही मतलब इसका जो है नुकसान वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। तो मतलब जब भी फॉर्म वगैरह रिलीज हो जाएगी तब जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मतलब एक महीने के पहले ही जो है आप मतलब वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दो। ओके, तो फॉर्म फिलिंग की वीडियो ज़रूर से इस चैनल पर आने वाली है। अभी बात कर लेते हैं किन स्टूडेंट के लिए है फॉर्म जो है एप्लीकेबल है, जिनका भी कैपराउंड से एडमिशन हुआ है, मतलब MST CET आपने सभी ने दी होगी, और MST CET देने के बाद जो है मतलब कैपराउंड वगैरह लगते हैं MST CET के, आप चाहे इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, या फिर कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स हो, टेक्निकल कोर्स हो, जिस भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो उस मतलब आप अगर महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो और कैपराउंड थ्रू अगर आपका मतलब एंट्रेंस एग्जाम थ्रू अगर आपको मतलब किसी कॉलेज में सीट अलॉट हो जाती तो डेफिनेटली आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, तो आपके पास मतलब ये नॉलेज होगी कि आपका जो है मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन हुआ है या फिर जो है कैपराउंड से एडमिशन हुआ है, कैपराउंड के लिए जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो, मतलब कैपराउंड से एडमिशन हुआ होगा तो ज़रूर से इसके आप फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हो। और बात की जाए मैनेजमेंट कोटा के स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने को मतलब जो है स्कॉलरशिप वगैरह अगर हो उठा पाएगी या फिर नहीं, तो देखिए बात की जाए अगर महाडीबीटी की स्कॉलरशिप के बारे में तो देखिए मैनेजमेंट कोटा से जो है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। ओके, तो क्लियरली बता देता हूँ। और उसके बाद अगर बात की जाए तो भैया क्या हम एलिजिबल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट जो है कमेंट में पूछते रहते हो, तो देखिए
आप जो स्कॉलरशिप के लिए तो इलिजिबल हो, बस आप जो है महाडीबीटी की स्कॉलरशिप के लिए इलिजिबल नहीं हो। पर बहुत ज़्यादा मतलब फाउंडेशंस होते हैं या फिर जो है हम बोल सकते हैं नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, तो ही क्या करते हैं उनकी मतलब फंडिंग के द्वारा जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को, क्योंकि उनको भी पता होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन सबके अच्छे नहीं रहती। इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा कंपनीज मान लो, स्टार्टअप मान लो, या फिर जो है ऐसे छोटी मोटी जो है कंपनीज या फिर किसी भी तरीके से जो है बिजनेसमैन वगैरह जो भी होते हैं बड़े सेक्टर्स पर, तो स्कॉलरशिप या फिर फाउंडेशंस लॉन्च कर देते हैं। तो आप ज़रूर से मतलब ऐसे ज़रूर से प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब जो भी प्राइवेट स्कॉलरशिप होते हैं उसका फॉर्म जो है आप ज़रूर से फिलअप कर सकते हो। और जैसे ही फिलअप कर दोगे, अगर आप मतलब सारे क्राइटेरिया उनकी फुलफिल कर रहे हो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, तो ज़रूर से आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मतलब स्कॉलरशिप जो है मिल जाएगी। ओके, तो जैसे ही मतलब फॉर्म वगैरह रिलीज हो गया, आपको इस चैनल पर अप टू डेट जो है वीडियोज़ आते रहेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे अप्रूव वगैरह कितने मतलब समय वगैरह लगता है, सब पर जो है डिटेल वीडियो इस चैनल पर आ रही होगी। ओके, तो जो भी डाउट है कमेंट में पूछ दो, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।